गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पाठ नौ भेड़ाघाट का क्वेश्चन नंबर आंसर 3 बताऊंगी। फर्स्ट, भेड़ाघाट दर्शन से पहले लेखक किन किन घाटों को देख चुका था ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और नर्मदा नदी किस पर्वत से निकली है और कितनी दूरी तय करती है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब आइए उत्तर 3 पे, नर्मदा के पानी में खड़ी विशाल चट्टानों की क्या विशेषताएं हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, नर्मदा के पानी में खड़ी विशाल चट्टानों की क्या विशेषताएं हैं। तो मैं यहाँ पे उत्तर लिखूँगी, नर्मदा के पानी में खड़ी विशाल चट्टाने सर्दी गर्मी और बरसात को सह रही हैं ये चट्टाने काटने से कट भले ही जाएं किंतु झुकना नहीं जानती किंतु झुकना नहीं जानती अपना क्रम नहीं रुकने देती अपनी उज्ज्वलता मंद नहीं होने देती अपनी उज्ज्वलता मंद नहीं होने देती रात में चाँद जैसी चमकने लगती हैं तो दिन में सूरज जैसी तपने लगती हैं। क्वेश्चन था, नर्मदा के पानी में खड़ी विशाल चट्टानों की क्या विशेषताएं हैं। नर्मदा के पानी में खड़ी विशाल चट्टानें सर्दी गर्मी और बरसात को सह रही हैं। ये चट्टानें काटने से कट भले ही जाएं, किंतु झुकना नहीं जानती, अपना क्रम नहीं रुकने देती, अपनी उज्ज्वलता मंद नहीं होने देती, रात में चाँद जैसी चमकने लगती हैं तो दिन में सूरज जैसी तपने लगती हैं। अब आइए उत्तर चार पे, भेड़ाघाट किस ज़िले में स्थित है। भेड़ाघाट मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में स्थित है।
भेड़ाघाट मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित है। आइए उत्तर 5 पे। भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन कौन से मंदिर हैं और उन्हें किसने बनवाया था? भेड़ाघाट के पहाड़ी पर कौन कौन से मंदिर हैं और उन्हें किसने बनवाया था? भेड़ाघाट की पहाड़ी पर एक मंदिर गौरी शंकर जी का एक मंदिर गौरी शंकर जी का तथा दूसरा 64 योगिनी का है तथा दूसरा 64 योगिनी का है एक मंदिर भेड़ाघाट की पहाड़ी पर एक मंदिर गौरी शंकर जी का तथा दूसरा 64 योगिनी का है जिसे त्रिपुरी राजघराने के महाराज करड़देव की महारानी अलहड़ा देवी ने बनवाया था। प्रश्न 5 है, भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन कौन से मंदिर हैं और उन्हें किसने बनवाया था? भेड़ाघाट की पहाड़ी पर एक मंदिर गौरी शंकर जी का तथा दूसरा 64 योगिनी का है जिसे त्रिपुरी राजघराने के महाराज करड़देव की महारानी अलहड़ा देवी ने बनवाया था। अब आपका प्रश्न उत्तर ख़त्म होता है, समाप्त हो जाता है और ये चैप्टर पाठ 9 भेड़ाघाट का प्रश्न उत्तर और बाकी एक्सरसाइज जो है वो पूरा हो गया है। एक बार आप फिर से क्वेश्चन नंबर 3 से देख लीजिए। क्वेश्चन था, नर्मदा के पानी में खड़ी विशाल चट्टानों की क्या विशेषताएं हैं? तो नर्मदा के पानी में खड़ी विशाल चट्टानें सर्दी गर्मी और बरसात को सह रही हैं। ये चट्टानें काटने से कट भले ही जाएं किंतु झुकना नहीं जानती, अपना क्रम नहीं रुकने देती, अपनी उज्ज्वलता मंद नहीं होने देती। रात में चाँद जैसी चमकने लगती हैं तो दिन में सूरज जैसी तपने लगती हैं। भेड़ाघाट मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भेड़ाघाट किस जिले में स्थित है? भेड़ाघाट मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन कौन से मंदिर हैं? भेड़ाघाट की पहाड़ी पर एक मंदिर गौरी शंकर जी का, दूसरा 64 योगिनी का जिसे त्रिपुरी राजघराने के महाराज करड़देव की महारानी अलहड़ा देवी ने बनवाया था। अब आपको भेड़ाघाट नामक पाठ आपका पूरा हुआ और जितने भी प्रश्नोत्तर हैं आपको कॉपी में लिखना है साफ और सुंदर से। आपको सारे प्रश्नों के उत्तर, पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे फिर आप आंसर लिखेंगे। बाकी एक्सरसाइज शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखना है, शब्दार्थ आपको कॉपी में हिंदी सेकंड की कॉपी में हिंदी पल्लों की कॉपी में शब्दार्थ लिखेंगे पहले, उसके बाद प्रश्नोत्तर लिखेंगे और कुछ एक्सरसाइज जो और भी एक्सरसाइज हैं जैसे लिंग लिखिए और स्त्रीलिंग रूप लिखिए, जो भी एक्सरसाइज है एक दो आप कॉपी में करेंगे, बाकी जो है आप बुक में रहने देंगे। बुक में लेकिन प्रॉपर भरा होना चाहिए, बुक में आप प्रॉपरली सारा आंसर भर लेंगे। सारा आंसर मैंने आपको बता दिया है,
शब्दार्थ जरूरी है कॉपी में लिखना, शब्दार्थ कॉपी में लिखेंगे और प्रश्नोत्तर भी कॉपी में लिखेंगे, बाकी एक्सरसाइज आप बुक में ही भर लेंगे। तो इस प्रकार पार्ट 9 भेड़ाघाट पूरा हुआ।